नमस्कार, मैं गौरव तिवारी और आप देख रहे हैं केसी उजाला न्यूज। एक तरफ जहां पूरा पुलिस महकमा समाज के कई संगठन लगे हैं कि मवेशियों को कसाई खाने जाने से रोका जाए, लेकिन कुछ आज भी ऐसे तस्कर हैं जो अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहे हैं। ये गौ तस्कर धड़ल्ले से मवेशियों को कसाई खाने पहुँचा रहे हैं। कौन है इन गौ तस्करों का सरगना मुखिया जो इन गौ तस्करों के साथ दे रहा है और ये बेधड़क गौ तस्करी कर रहे हैं? सोमवार तड़के 5:30 बजे मौदा थाना अंतर्गत जिसमें एक गाड़ी में कई मवेशी होने का पता चला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मौदा थाना अंतर्गत पता चला कि कुछ गौ तस्कर भंडारा से नागपुर सोमवार तड़के 5:30 बजे मवेशियों से भरी गाड़ी को कसाई खाने पहुंचा रहे हैं। पुलिस वालों ने मवेशियों से भरी गाड़ी का पीछा किया तो उन्होंने पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी को ही उड़ा दिया। उसमें 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों में शिवाजी नागरे और जितिन बोरकर सिपाही है जो कि न्यूरॉन हॉस्पिटल में भर्ती है। इस मामले पर सरकार क्या कार्रवाई करती है यह देखना होगा। अधिकारी इस बात से अनजान है कि उनके एरिया में मवेशियों की गाड़ियां रात में चलती है। पुलिस अगर कार्रवाई करती है तो उनके जान पर बनाती है। कहीं न कहीं यह गोरख धंधा बड़े पुलिस अधिकारियों की साठगांठ चल रहा है और यह बात छोटे तबके के पुलिस वालों और सिपाहियों को पता नहीं है। इन गौ तस्करों को यह छूट किसने दे रखी है कि उनके सामने कोई भी आए, चाहे वह पुलिस वाले ही क्यों ना हो, उन्हें भी उड़ा दिया जाता है। शायद कहीं न कहीं इन गौ तस्करों की वजह से बड़े पुलिस अधिकारियों की खानापूर्ति होती है, तभी यह गौ तस्कर बेखौफ और बेरोक टोक मवेशियों को कसाई खाने पहुँचा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए केसी उजाला न्यूज़।